जय हिंद दोस्तों, भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त विनी चौहान आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के फिर से हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। कृपया आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। दोस्तों, इस समय दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला कोरोना वायरस चीन के लिए एक फायदे का सौदा साबित होता जा रहा है, क्योंकि इस समय दुनिया भर के शेयर बाजार जहाँ धराशायी होते जा रहे हैं और रोजाना लोअर सर्किट के साथ बंद हो रहे हैं, वहीं ऐसे में चीन दुनिया भर की कंपनियों में लगातार अपने व्यापारियों के थ्रू और अपनी प्राइवेट कंपनियों के थ्रू लगातार बाइंग करके दुनिया भर की कंपनियों के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करता जा रहा है। ऐसे में शक गहराता जा रहा है कि क्या चीन ने कोरोना वायरस को दुनिया भर की ग्लोबल मार्केट के ऊपर कब्जा करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस समय चीनी व्यापारी दुनिया भर की शेयर बाजार के अंदर अपना पैसा लगा करके दुनिया भर की कंपनियों के जिनके शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं उनको खरीदते जा रहे हैं, और वो ये शेयर बाइंग लगातार सीधे तौर पे ना करके ढके छुपे तरीके से कर रहे हैं। ऐसे में यह शक और गहराता जा रहा है कि चीन ने कोरोना वायरस का बतौर एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी मैगजीन्स में से एक फोर्ब मैगजीन के मशहूर बाजार के विशेषज्ञ लेखक ब्रेंडन हॉर ने लिखा है कि चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा की हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग में तकरीबन 1.54% का इजाफा हुआ है, और साथ ही साथ उनका टेंसेंट के अंदर 0.39% का भी प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट अलीबाबा कंपनी ने इन दोनों शेयर बाजार के अंदर पिछले हफ्ते कमाया है, और ज्यादातर चीनी व्यापारी और चीन की सभी कंपनियां इस समय दुनिया भर के शेयर हांगकांग के हैंगसेंग शेयर बाजार के थ्रू खरीद रही हैं। हैंगसेंग का इस समय का वॉल्यूम तकरीबन 32% के उछाल के साथ है, और जो कि यह पिछले एक साल के मुनाफे का तकरीबन उसका 2 गुना है। साथ ही साथ वर्ल्ड की एक और जानी पहचानी बिजनेस मैगजीन ब्लूमबर्ग के एक लेखक मैक्सी यांग लिखते हैं कि पिछले सप्ताह चीन के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और शेंजेन स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले 2 साल में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 5% का मुनाफा दर्ज किया है। जहां एक तरफ चीनी कंपनियां फल फूल रही हैं और प्रॉफिट कमा रही हैं, इसके दूसरी तरफ तकरीबन दुनिया भर के 196 देशों में ज्यादातर कंपनियां लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से ठप पड़ी हैं, जिसका नतीजा वहां की शेयर मार्केट पे दिखाई दे रहा है। चीन के अलावा पूरे एशिया के शेयर बाजारों में तकरीबन 10-15% की भारी गिरावट देखी जा रही है, चाहे वो जापान का शेयर बाजार हो, चाहे वो मलेशिया का शेयर बाजार हो, चाहे वो कोरिया का शेयर बाजार हो, या फिर भारत का शेयर बाजार ही क्यों ना हो। इन सभी शेयर बाजारों में जहां एक तरफ निवेशक पैसा लगाने वाले लोग सिर पटक पटक के रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीनी व्यापारी इस समय कोरोना वायरस के हालात में भी एक अच्छी खासे दिवाली का माहौल इंजॉय कर रहे हैं। इस समय एशिया के शेयर बाजारों को संभालने के लिए अलग अलग सरकारों को लगातार इन शेयर बाजारों को राहत पैकेज देने पड़ रहे हैं, लेकिन इन हालातों में भी चीनी शेयर बाजार लगातार एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन ऐसे हालात में भी चीन के शेयर बाजार लगातार एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि चीन का सबसे बड़ा कमाई करने वाला शहर वुहान पूरी तरह से लॉकडाउन पड़ा और पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत जहां चीन से हुई थी और इस समय वह तकरीबन दुनिया के 196 देशों में फैल चुका है। दोस्तों, इस समय भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है, वहीं इटली के अंदर सेना को बुलाया गया है ताकि लोगों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। दोस्तों, जहां एक तरफ WHO ने कोरोना वायरस का नया सेंटर न्यूयॉर्क को बताया है, वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही स्पेन जो है वहां पे इस समय चीन से तकरीबन 15% मौतें ज्यादा हो चुकी हैं। जर्मनी फ्रांस जैसे विकसित देश भी इस समय कोरोना वायरस की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी सोचने की बात, कोरोना वायरस का भारी झटका झेल चुके चीन अपने यहाँ के हालात को सामान्य बता रहा है। वहाँ के उद्योग बाजार, कारोबार, आर्थिक बाजार आदि सब चीजें सामान्य स्थिति में आ चुकी हैं। ऐसा क्यों? दुनिया भर में कोरोना वायरस की मार झेल रहे स्टॉक मार्केट, दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में लगातार कोरोना वायरस की वजह से हर स्टॉक मार्केट में एक भारी गिरावट है, जिसका फायदा चीन ने उठाया और दुनिया भर की कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि दुनिया की कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं
हैं जिनका मालिकाना हक इस समय चीन के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, क्या ये माना जाए कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पे काबू करने के लिए चीन ने कोरोना वायरस को बतौर एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया? क्योंकि दोस्तों, यह एक गौर करने वाली बात है कि चीन ने WHO और दुनिया भर के अन्य स्वास्थ्य संगठनों को ऐसे किसी भी क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिया जहां पे कोरोना वायरस की मार पड़ी। तो चीन इसमें दोस्तों क्या छुपाना चाहता है, ये देखने की बात है। क्योंकि एक अनुमान के तौर पे इस समय चीन के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, और ऐसे में भी चीन ने कोरोना वायरस से ग्रसित किसी भी इलाके में ना तो WHO और ना ही दुनिया के किसी अन्य स्वास्थ्य संगठन को वहां घुसने की परमिशन दी। यहां तक कि इन सभी इलाकों को उसने पूरी तरह से सील कर दिया। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे मानव अधिकार ह्यूमन राइट का कोई मतलब नहीं है, और साथ ही साथ ऐसे में इस बात का पूरा शक है कि चीन ने ही कोरोना वायरस को फैलाया हो। क्योंकि कोरोना वायरस के ज्यादातर शिकार बूढ़े और बीमार लोग हुए हैं जिनका चीन के कम्युनिस्ट शासन की नजर में कोई महत्व नहीं है। चीन को कम्युनिज्म की खाई में धकेलने के कारण माओ से तुंग ने सन 1948 में तकरीबन 7.5 करोड़ से लेके 8 करोड़ लोगों की निर्मम हत्या कर दी। और इसके अलावा उसी समय माओ से तुंग के शासन काल में तकरीबन 20 से 25 करोड़ लोगों को गंभीर यातनाएं भुगतनी पड़ी। दोस्तों, ये देखने की बात है और सोचने की बात भी है, क्योंकि चीन में माओ से तुंग के बाद इस समय सबसे शक्तिशाली एक ही शासक हुआ है जिसका नाम है शी जिनपिंग, जो कि इस समय चीन के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, और उन्हें भी इस समय अनंत काल तक चीन में बतौर राष्ट्रपति रहने की एक छूट मिल चुकी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, शी जिनपिंग की सत्ता निरंकुश है, ऐसे में चीन अपना दुनिया भर में अपना वर्चस्व फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या हंता वायरस हो, वो किसी भी चीज को किसी भी तरह के जैविक हथियार का इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं करेगा। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि चीन से खबरें बाहर आना बहुत मुश्किल है, ऐसे में चीन अपना दुनिया भर में वर्चस्व साबित करने के लिए ऐसा कोई प्रयोग करने से नहीं हिचकेगा जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर चाहे खतरा ही क्यों ना, क्योंकि चीन का एक पूरा इतिहास रह चुका है, वो इस तरह के अनेक प्रयोग कर चुका है जैविक हथियारों को लेकर। शायद यही वजह है कि कोरोना वायरस को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त तेवर अपनाए हुए हैं, और इसे वो एक चाइनीज वायरस के तौर पे ही देखते हैं, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि यह चीन का एक सोचा समझा जानबूझ के किया प्रयोग है, ना कि यह कोई आकस्मिक वायरस आ गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चीन का जो हालात है, जैसे कि मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताए, जो तो चीन ऐसा करने में कभी नहीं हिचकेगा, क्योंकि चीन का यह इतिहास रहा, चीन के बहुत से इतिहास रहे हैं, चीन दुनिया भर में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, यह आपको भी पता है और हमको भी पता है। दोस्तों, चीन की खबरें आना बहुत मुश्किल है, चाहे वो कोरोना वायरस से संबंधित हो या उइगर मुसलमानों से संबंधित। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।